जहां पर देवा गुर्जर हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। एमबीएस अस्पताल मोर्चे के बाहर हंगामा हुआ है। पुलिस पर आक्रोशित लोगों ने पत्थर फेंके हैं। मृतक देवा के शव को एक्सरे के लिए ले जाया जा रहा था। सैकड़ों समर्थकों ने एम्बुलेंस का रास्ता रोका है। पुलिस और आक्रोशित लोगों में लाठी भाटा जंग हुई है। आक्रोशित लोगों को पुलिस ने खदेड़ा है। रेंज आईजी रवि दत्त गौड़ ने मोर्चे में घुसकर सुरक्षा की है। चारों तरफ से आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर पत्थर फेंके। तो देवा गुर्जर हत्याकांड मामले में को लेकर लोगों में खासा रोष नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पुलिस पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। दरअसल अस्पताल में फिलहाल जो शव को रखा गया है, जहां पर हंगामा हुआ। के जुड़ रहे हैं हमारे साथ यहां पर। के क्या कुछ हुआ अभी वहां पर? देखिए, जो परिवार के आक्रोशित लोग हैं, उन्होंने और पुलिस के उन्होंने और पुलिस के बीच में एक बार लाठी पाटा जो हो गई। आक्रोशित लोगों ने पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके। पत्थर फेंकने के साथ ही पुलिस ने भी उनको लाठियां भांज करके और लाठी चार्ज करके उनको खदेड़ा यहाँ से। फिलहाल सभी लोग आक्रोशित लोगों को शांत कर दिया गया। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो एम्बुलेंस थी उसको एक्सरे करने के लिए उसके मृतक के शव को ले जाया जा रहा था। इसी दौरान आक्रोशित लोग इस बात पर अड़ गए और एम्बुलेंस के सामने आ गए कि वो उस एक्सरे के लिए उस मृतक के शव को नहीं ले जाने देंगे। इसी पर विवाद शुरू हुआ था। उसके बाद में विवाद इतना बढ़ गया कि आक्रोशित लोगों ने एम्बुलेंस के ऊपर चढ़ गए, साथ ही पुलिस के ऊपर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। इसी दौरान इनको खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज का उपयोग किया। लाठी चार्ज के बाद इनको खदेड़ा गया। रेंज आईजी रवि दत्त गौड़ मौके पर पहुंचे थे। उसी दौरान पत्थरबाजी शुरू हुई और उन्होंने मोर्चरी के अंदर भाग करके अपनी जान बचाई। और यहाँ पर एक बार हंगामा बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसके बाद एसटीएफ को बुलाया गया, आईसी यहाँ पर तैनात की गई। फिलहाल आक्रोशित लोगों को शांत किया जा रहा है, उनकी समझाइश की जा रही है। उनकी मांग है कि जो देखिए एक चीज और निकल करके आई, सुमित जो देवा गुजर था उसने 26 तारीख को ही आरतीपुरम थाने के अंदर इस पूरे आशय को लेकर के शिकायत दी थी और अंदेशा जताया था कि उसके ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है। कुछ लोगों ने उससे 10 लाख रुपए की मांग की है। इसी को लेकर के आक्रोशित लोगों ने ये मांग यहाँ पर रखी कि जो थाने के सीआई है उनको सस्पेंड किया जाए। इस पूरे मामले को लेकर के उन्होंने लापरवाही बरती है और इन मांगों को लेकर के ही ये आक्रोशित है। और इसी आक्रोश के चलते इन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस ने मौके पर लाठी चार्ज करके और लोगों को खदेड़ करके इनको यहाँ से दूर कर दिया, शांत किया है। बाकी जो प्रभावित है उनको समझाइश की गई है, उनको आश्वासन दिया गया है। रेंज आईजी ने उनको आश्वासन दिया है कि जो आरोपी है उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, उनको जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। साथ ही अगर किसी पुलिस अधिकारी ने इसमें लापरवाही बरती है तो उस पर भी एक्शन होगा। इन तमाम आश्वासन के बाद में फिलहाल लोगों की समझाइश मौके पर जारी है। रेंज आईजी एडीएम महेंद्र लोढ़ा तमाम जो पुलिस अधिकारी वो आक्रोशित लोगों की समझाइश में जुटे हैं। उनको और उनको समझा जा रहा है कि एक्सरे कराना जरूरी है ताकि चोट और घावों का जो निशान है वो क्लियर हो सके और किस तरीके से आपके हुई वो पूरी चीजें खुल सके, इसको लेकर के उनकी समझा की जा रही है। लेकिन फिलहाल मौके पर एमबीएस अस्पताल के मोर्चे के अंदर हंगामा जारी है। सैकड़ों के समर्थक में देवा के गुजर के जो लोग हैं वो यहाँ पर जमा है। सुमित, लेकिन अभी हम जब कुछ देर पहले तस्वीरें यहां पर देख रहे थे, आपने भी पुलिस से वहां पर बात की थी, पुलिस का कहना था कि तमाम जांच जो है हम लोग यहां पर कर रहे हैं, लोग भी वहां पर मौजूद थे, अचानक से लोग क्यों भड़क गए, कहां आपत्ति नजर आ रही है लोगों को? सुमित, देखिए लोगों को जो देवा गुजर के जो समर्थक हैं उनका कहना था कि एक्सरे वो नहीं कराएंगे, यहाँ से डेड बॉडी को रवाना नहीं किया जाएगा और संभवतः वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भ्रमित थे कि एक्सरे के करने की जगह इस बॉडी को यहाँ से रवाना किया जा रहा है। वो इस मांग पर अड़े हुए हैं कि पहले जो जिन लोगों ने इसमें लापरवाही बरती है उन पर कार्रवाई हो, आरोपी गिरफ्तारी हो और एक ठोस आश्वासन वो यहाँ से लेना चाहते थे। उनको शायद इसी गलतफहमी के चलते उन्होंने यहाँ से एम्बुलेंस का रास्ता रोक लिया, जबकि पुलिस और मेडिकल प्रशासन जो है वो मृतक देवा गुजर के शव को एमबीएस अस्पताल के अंदर भेज रहे थे। वहां पर एक एक्सरे यहां पर होना था, क्योंकि एमएलसी के लिए और पोस्टमार्टम के लिए ये रिकॉर्ड्स के लिए जरूरी है कि जो जवान जाते हैं वो यहां पर देख लिए। घटना देर रात की थी, इसके बाद में जब मृतक का शव को रात को रखा गया था तो एक्सरे नहीं हुआ था, तो ऐसे में एक्सरे सुबह भी कराया जाना था। एक्सरे के लिए जैसे इसकी बॉडी को रखकर के एम्बुलेंस के अंदर रवाना किया जा रहा था तभी जो लोग हैं वो भड़क गए और उन्हें शायद इस तरीके की उनको लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं बिना किसी सोच आश्वासन के और बॉडी को रवाना किया करने की ये एक चाल प्रशासन की है। इस गलतफहमी के चलते ही वो बढ़के आकर्षित हुए। लेकिन मेडिकल के जो डॉक्टर्स हैं और साथ ही जो पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने लोगों को समझाया कि एक्सरे की अपनी उपयोगिता है, उसी से आगे की जांच आगे बढ़ेगी। घाव कहां कहां पर थे, कहां कहां पर चोटों को निशाना, ये सब चीजें पोस्टमार्टम और एक्सरे के बाद ही संभव है। तो इसी के चलते अब
लोगों की समझाइश की गई है और उन्हें बताया जा रहा है और अब उनको समझाने की कोशिश की जा रही है कि एक्सरे भी कराया जाएगा और अन्य जो जांचें वो भी कराई जाएंगे, लेकिन पूरी तरीके से प्रशासन और पुलिस लोगों के साथ है, वो किसी गलतफहमी का शिकार ना हो और जो आरोपी है उनको किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ये जो स्थिति जो है वहां पर इस वक्त तनावपूर्ण बनी हुई है, पुलिस की तरफ से भी एक्शन लिया गया है, पथराव पुलिस पर यहाँ पर आक्रोशित लोगों की तरफ से किया गया, नजर बनाए रखें, क्योंकि अपडेट आपसे लेते रहेंगे। चलिए फिलहाल इतना ही खबरें जा रही हैं, आप बने रहिए जी राजस्थान के साथ, नमस्कार।